हेलो वेलकम, आइए ज्ञान बढ़ाएं। देख रहे हैं आप, मैं रवि कुमार सर एक बार फिर से आपके साथ नए वीडियो में फिर से हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, यदि आप गरीब हैं, आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप पैसा अर्न नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा, कुछ ऐसे काम बताऊँगा जिन कामों को आप कर बहुत ही जल्द पैसा क्या कमा सकते हैं। इन कामों को करने से आपके पास क्या तुरंत पैसा आना क्या शुरू हो जाएगा। जो लोग मेहनत करना नहीं जानते हैं, मेहनत करने जिनको डर लगता है, तो वो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें, बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो वही वीडियो देखें जो केवल मेहनत करने के तैयार हैं और मेहनत करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे और वो मेहनत करके अपने पैसे कमाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो वही लोग वीडियो देखें, अदरवाइज़ आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कुछ ऐसे काम जिससे आपके पास अगर एक भी रुपया नहीं है आपके पास, तो भी आपके पास रुपया आना स्टार्ट हो जाएगा और आप एक अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको कुछ भी और नहीं आता है, तो उनके लिए वीडियो, वही लोग केवल देखें इस वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे हैं वो लोग कैसे पैसा कमाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में हम बताते हैं आपको जो पढ़े लिखे हुए नहीं है कैसे पैसा कमाएंगे। तो सबसे पहला टास्क मैं आपको बताता हूँ, आपके पास आज की डेट में बिल्कुल पैसा नहीं है मान लीजिए, तो अब आपको कमाना है पैसा। तो देखिए, पैसा कमाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, आप बिल्कुल अभी गरीब हो, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, कहीं से पैसा आने कोई भी प्रोसेस नहीं है, तो पहले मैं बताऊँगा आपके पास सबसे अच्छा जो तरीका है पैसा कमाने का, वो है कि आप सबसे पहले बन जाइए लेबर। लेबर पहला टास्क है कि आपको क्या है, लेबर बनना पड़ेगा। लेबर आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं बनना है, आपको कुछ समय के लिए लेबर बनना है। जब आप लेबर बन जाओगे तो उस समय क्या है, आप कुछ पैसा क्या अर्न कर लोगे। जब आपके पास एक थोड़ी सेविंग जब आप कर लो, उस सेविंग के बाद आपको को क्या है, अन्य काम करना है। वो अन्य काम कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो सेकंड नंबर का हम आपको वर्क बताएंगे, जब आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप अदर काम भी कर सकते हैं। कौन से वो अदर काम है वो हम देखते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर का काम है जो हमने नोट करके रखा हुआ है, सेकंड काम हम आपको बताते हैं। सेकंड काम है, हम आपको बताएंगे सबसे जो आज की डेट में बिक रहा है मार्केट में, वो क्या है, मोमोस। तो आप क्या कर सकते हैं, मोमोस का ठेला लगा सकते हैं, मोमोस बेचने का आप क्या काम कर सकते हैं। देखिए, मोमोस सुनने में खराब लगता है कि मतलब मोमोस का बेचेंगे क्या। देखिए, मोमोस अगर आप बेचोगे तो उस समय क्या, इंस्टेंट पैसा आएगा, क्योंकि आज की डेट में जो मोमोस है और ड्राई पटेटो है वो क्या आसानी से बिक रहा है। तो जो आपने देखा होगा कि आलू की जो चिप्स टाइप की बिकती हैं, तो वो भी आसानी से बिक रही हैं, और इससे पैसा क्या, कई लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और इससे पैसा क्या तुरंत आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप दूसरा काम नहीं जानते हो, तो ये ऑप्शन वो है जहाँ पर आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अब आप सोच रहे हो कि मोमोस के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट बताया था लेबर, कि सबसे पहले आप लेबर से स्टार्टिंग करिए। आपके पास पैसा नहीं है, आप थोड़ा पैसा जुटा लीजिए, फिर आप क्या करें, मोमोस के ठेले पर आ जाइए, तो वो क्या आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको मोमोस का ठेला पसंद नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं है मोमोस का ठेला पसंद, तो क्या करें, तो हम बताएंगे आपको थर्ड नंबर का काम। देखिए, थर्ड नंबर का काम हमने नोट किया हुआ है, चाउमीन। तो आज की डेट में अगर आपने देखा होगा शहरों में, आप किसी भी जगह हों, शहरों में क्या, कहीं भी आज की डेट में देखिए तो हर जगह चाउमीन खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लोग चाउमीन खाया करते हैं, तो चाउमीन का क्या बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो आप जब चाउमीन का ठेला लगाओगे तो चाउमीन के ठेले में भी आपको क्या एक अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। देखिए, ये काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो काम है जिससे आपके पास तुरंत पैसा आएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आज आपने काम किया तो आज आपके पास पैसा आना ही है, तो ये काम आप कर सकते हो चाउमीन वाला। तो ये होगा आपको तीन नंबर का। अब आप मान लीजिए चाउमीन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो, तो हम बताते हैं आपको फोर्थ नंबर का काम। मान लीजिए आपको इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप अगर पढ़े लिखे हो तो फोर्थ नंबर का काम आप देखिए। तो फोर्थ नंबर का हम आपको काम बताएंगे, एग। आप क्या कर सकते हैं, अंडे का ठेला लगा सकते हैं। जैसे आपको पता, सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, अंडे क्या होता है, बिकना ही रहता है। तो अंडे आप मान के चलिए पूरी साल बिकता है, तो अंडे का काम आप कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, अंडे को बेच सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई ऐसे अंडे का ठेला लगाते होंगे, जो लोग उबले अंडे बेचते होंगे, आमलेट बना के बेचते होंगे, तो इससे भी क्या पैसा इंस्टेंटली तुरंत की तुरंत आना क्या स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने आज अंडे का ठेला लगाया, सपोज करिए, तो आप सोच के देखिए कि अंडे का जो एक्चुअल प्राइस है मार्केट में,
जो फैक्ट्री से मिलता है वो लगभग 4.5 रुपये का मिल जाता है अंडा, लेकिन मार्केट में वही अंडा एक अंडा केवल 7 रुपये का बेचा जाता है। तो 4.5 से जब आप 7 रुपये का बेच रहे हो तो आपने कितना अर्न किया सोच के, 2.5 रुपया एक अंडे पे आपने बचाया। अगर आपने दिन में केवल 100 अंडे भी बेच लिए तो आप सोच लीजिए 2.5 × 100 तो आपका 250 रुपये केवल उबले हुए अंडों का आया जो आपकी सेविंग हुई। और साथ ही साथ आपने आपने बेचा होगा आमलेट, तो आमलेट पे क्या डबलिंग रेट चलता है, जितने का अंडा नहीं होता उससे उससे कई गुना ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, तो उस पर भी क्या आप एक अच्छी रकम कमा सकते हो। तो आराम से अगर आप अंडे भी बेचने का काम करते हो तो पर डे का आपको कम से कम 500 से 600 रुपये आपका कहीं नहीं गया हुआ है, वो आपको मिलना ही है। और यहाँ पे क्या है, आप काम क्या आसानी से कर पाओगे। ये जो काम था ये लेबर से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लेबर में आपको क्या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अंडे बेचने में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन मेहनत तो है देखिए हर काम में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो लोग मेहनत करना जानते हैं केवल वही लोग वीडियो को देखें। मान लीजिए अब आपको लग रहा हो कि सर अंडा नहीं बेचना चाहते हम, तो दूसरा बताइए हमको कोई और काम, तो हम आपको दूसरा बता देते हैं। देखिए आपको मैं 4 काम बता चुका हूँ, अब बताता हूँ आपको 5 नंबर का काम। 5th नंबर का काम है आपके पास, आप क्या कह सकते हैं सर, गर्मियों का सीज़न आता है, तो गर्मियों के सीज़न में क्या है मैंगो जूस बहुत ज़्यादा बिकता है। अब जैसे 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 कि आप गर्मी आना स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, तो मैंगो जूस आप उस समय क्या सेल कर सकते हैं। देखिए आम का जूस आसानी से बिकता है। अब मान लीजिए कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आम का जूस मान लीजिए कम बिक रहा तो क्या करें, तो आप मौसम्मी का जूस भी लगा लीजिए साथ ही में। देखिए साथ में आप बेचिए आम का ही बेचिए, मौसम्मी का ही बेचिए, चुकंदर का ही बेचिए, तो आप जूस बेचने का काम करिए। तो गर्मी के मौसम में कई लोग जूस बेचते हैं। अब देखिए होता क्या मार्केट में, मैं आपको बताता हूँ, जूस तो हर कोई बेच रहा है लेकिन पैसे अच्छे नहीं कमा पा रहा है। क्यों नहीं कमा पा रहा है आप सोच सोच के, जब आप जूस वाले से जूस लेने जाते हो तो वो जूस वाला क्या करता है, वो आपको खाली भगोना नहीं दिखाता है। जनरली केसेस में जब वो खाली भगोना नहीं दिखाता है तो कस्टमर क्या सोचता है, ये बंदा जो है बेईमानी कर रहा है मेरे साथ। तो जब कस्टमर ये सोचता है तो उस समय वो जूस वाले पे क्या है, एक बार तो वो पी लेगा चला जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट बार नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप जूस बेच रहे हो तो उस समय जो भी कस्टमर आए उसको बोलना ना पड़े, आप देखिए सर देख लो कि हमारे पास भगोना खाली है, हम इसमें जूस आपके लिए निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हो। तो आप पूरी ईमानदारी के साथ अगर काम करोगे, सामने वाले को दोगे, तो उस समय क्या होगा कि वो आपसे बिल्कुल सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फाई होगा तो आपके पास क्या वो कस्टमर क्या दोबारा रिपीट होके आएगा। और जब ऐसे आपने मान लीजिए 100 कस्टमर भी जोड़ लिए तो आप सोच के देखिए कि आपकी कितनी ज़्यादा अर्निंग पहुँचेगी। लेकिन 100 कस्टमर आप सिर्फ तब जोड़ पाओगे डेली का जब आप एक अच्छी तरीके से काम कर रहे होगे। आपने देखा होगा कई दुकानें ऐसी होती हैं जहाँ पर कॉन्टिन्यूसली भीड़ लगी रहती है, वहाँ पर भीड़ थमती ही नहीं है, भीड़ लगी ही रहती है। क्यों लगी रहती है, क्योंकि वो लोग इतना ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं कि उनका पैसा अच्छी खासी से बनता रहता है। तो ये थे आपके काम, ध्यान रखिएगा कि जो भी काम कर रहे हो वो बहुत बहुत फुल डेडिकेशन से करना है, ईमानदारी के साथ करना है। तो ये आपके काम हो गए। अब हम बताते हैं नेक्स्ट काम, काम नंबर 6। देखिए 6वां काम आपको बताएंगे, सब्जी का ठेला। देखिए सब्जी का ठेला अगर आप लगाते हो तो सब्जी जो बेचते हैं वो लोग भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। जैसे अगर मैं अभी कल परसों की बात करूं तो देखिए मैं मटर लेके आया था, तो मटर क्या है 20 रुपये किलो हो चुकी है, लेकिन ये जो होली का सीज़न आया तो होली के सीज़न की वजह से वही मटर 20 रुपये किलो वाली मटर उस बंदे ने मुझको 30 से 35 रुपये किलो में दी। अब जब उसने 30 से 35 रुपये किलो में मुझे दी तो फिर देखिए क्या हुआ, तो उसने क्या एक अच्छी अर्निंग कर ली ना। तो देखिए ये सीज़न टू सीज़न क्या है, चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। तो सीज़न जब आता है तो कई चीज़ें क्या महंगी हो जाती है, जैसे आपने देखा होली का टाइम आता तो पनीर भी महंगी हो जाती है, पनीर भी मैं लेके आया तो पनीर भी महंगी हो गई। तो बेसिकली क्या है कि मार्केट है, तो मार्केट में कुछ जगह आपका क्या है, कुछ जगह क्या है ज़्यादा प्रॉफिट आपका होगा, आप लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। तो ये आपके तरीके हैं जिनसे आप क्या कमा सकते हो। देखिए काम तो हर कोई कर रहा है, लेकिन सही तरीके से जो काम कर रहा है वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो पैसा कमाने के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी है वो आपको अपनानी होगी, और इसलिए मैंने कहा था कि मेहनत करना होगा आपको प्लस ईमानदारी से करना होगा। मेहनत नहीं करेंगे और ईमानदारी से नहीं करेंगे तो फिर पैसा क्या नहीं रुक पाएगा। और अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट काम, अगर आपको मान लीजिए सब्जी का ठेला लगाने में परेशानी है तो क्या करें। देखिए अब हम आपको बताते हैं काम नंबर 7। देखिए काम नंबर 7 है, जैसे मान लीजिए अब आप कह रहे हो कि अगर हम सर ठेला लगाना ही नहीं चाहते हैं, आपने इतने सारे ठेले बता दिए, तो हम क्या करें। देखिए 7 नंबर का काम हम आपको बताते हैं कि आप एक होटल में काम कर सकते हैं, कि आप वेटर बन जाइए। मान लीजिए अगर आपको कोई वेटर की जॉब पे नहीं रखता है, क्योंकि कई जगह वेटर की जॉब पे क्या है कि वो पढ़े लिखे लोग मांग लेते हैं थोड़ा, तो अगर वेटर की जॉब पे आपको नहीं मिल रही है तो उस केस में आपको ये क्या करना है कि आप वहाँ पे कोई प्यून का काम या सिक्योरिटी का काम मांग सकते हैं, या फिर आप बर्तन धोने का काम कर सकते हैं। तो होटल में कई सारे काम होते हैं, तो आप होटल में भी क्या है काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका काम होटल करने का मन नहीं, तो आपको मैं 8 नंबर काम बताता हूँ। 8 नंबर का काम है हमारा प्रेस करने का काम। देखिए आज की डेट में सिटी में क्या हो रहा है कि
कई घरों में जो महिलाएं होती हैं वो घर पे प्रेस नहीं करती हैं, और जब वो घर पे प्रेस नहीं करती हैं, वो क्या ठेले वाले को देती हैं कि प्रेस वाला, ठेले वाले भैया हैं प्रेस जो लगाते हैं, तो प्रेस वाले ठेले वाले भैया को कपड़े दे आओ जाके, अपने घर पे बोल देते हैं। तो जो प्रेस करते हैं सोसाइटी में, तो उनके पास भी बहुत सारी अर्निंग क्या आती रहती है। और प्रेस करने का मतलब क्या, सबसे अच्छी बात क्या है कि जो उनके कस्टमर होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, जो बंध जाते हैं, उनके पास कॉन्टिन्यूसली क्या कपड़े आते रहते हैं और उनका जो कारोबार है वो बढ़ता रहता है धीरे धीरे। देखिए अब मान लीजिए आपके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप क्या करें, एक आदमी लगा लीजिए अपने बगल में कि उसको आप पैसा देते रहिए और आपका प्रॉफिट तो ऑलरेडी आ ही रहा है। तो देखिए तरीके हैं कैसे आप अपनी लाइफ को क्या मैनेज कर ले जाएं। तो ये था आपका प्रेस करने का ठेला। अब हम आपको बताते हैं 9 नंबर का काम। मान लीजिए आपको ये काम भी पसंद नहीं आता, तो 9 नंबर का काम बताते हैं हम आपको। 9 नंबर का काम है आपका नाई की दुकान। देखिए नाई की आप दुकान कर सकते हैं। देखिए अब आपको सुनने में लग रहा हो कि क्या बाल काटने के काम में पैसा कमा सकते हैं। देखिए कई मैंने ऐसे सलून देखे हैं जहाँ पे कई ऐसे मैंने हेयर काटने वाले देखे हैं जो लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। देखिए जब जैसे मैं जब बाल कटवाने जाता हूँ, तो मैं एक बाल कटवाने के जाता हूँ, तो वो क्या करता है, कहता है सर बैठिए। वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ क्या है बिठालता है, मुझे ही नहीं वो जितने भी कस्टमर आते हैं सबको बिठालता है बहुत रिस्पेक्ट के साथ। तो उसके यहाँ क्या दोबारा जाने का क्या मन करता है, और जब किसी बंदे का मन करेगा तो वो ऑब्वियस कहता है कि दोबारा जाएगा ही जाएगा। और कुछ वहीं बाल काटने वाले क्या करते हैं, कहते हैं बैठो रुको कुछ समय बाद भैया आएंगे तब काटेंगे बाल। जब आप ऐसा करोगे कस्टमर के साथ तो वो क्यों रुकेगा फिर। तो देखिए पैसा तो कमा लोगे आप, लेकिन आपको वे ऑफ स्पीकिंग भी सीखना होगा, कैसे आपको मैनेज करना है चीज़ों को। तो जो मैनेज कर ले गया वही क्या बेटर है। और देखिए इसमें बहुत सारा पैसा बहुत अच्छे से कमा सकते हो। देखिए एक बात और ध्यान रखिए, जब आप नाई का काम करते हो तो हमारे स्टार्टिंग में आप अकेले कर सकते हो, स्टार्टिंग के बाद आप क्या कर सकते हो कि अदर पर्सन को भी आप अपने साथ क्या लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास कई कस्टमर आने लगे, आप अकेले नहीं काट पा रहे हो, तो उस समय क्या करिए, आपका कोई रिश्तेदार हो या आपके गली मोहल्ले का कोई पर्सन हो, उसको आप कह दीजिए कि आप हमारे काम करिए, हम आपको इतना रुपया देंगे, एक पर्सन पे इतना रुपया देंगे, तो वो आपके यहाँ क्या लग जाएगा बंदा, और वो बंदा जब आपके यहाँ लग जाएगा तो आपके पास भी थोड़ी थोड़ी अर्निंग क्या है, कुछ तो अर्निंग आपकी एक्स्ट्रा आएगी। तो इस तरीके से क्या है आप डील कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम नाई की दुकान सर नहीं करना चाहते हैं, बाल नहीं काटना चाह रहे हैं, तो क्या करें। तो देखिए अब नेक्स्ट आपको काम बताते हैं, अगर आपका ये भी मन नहीं है तो 10 नंबर का काम है आपका गाड़ी की सर्विस। देखिए आज की डेट में आपको पता है मोटरसाइकिल हैं ये रहने ही वाली हैं, कार हैं ये भी रहने वाली हैं, तो इनकी सर्विस तो होना ही होना है। तो आप क्या कर सकते हैं, गाड़ी की सर्विस करने का काम सीख सकते हैं। एक बार आपने गाड़ी की सर्विस करने का काम सीख लिया तो आप मान के चलिए 20,000 रुपया आपका कहीं नहीं गया है, आप आराम से 20,000 रुपया कमा सकते हो महीने का। देखिए कई लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा 50,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे, केवल ये छोटे छोटे काम करके। देखिए कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, बस आपको क्या फुल डेडिकेशन के साथ करना है। जैसे सर्विस की बात आई, देखिए तो मैं एक पर्सन के पास, मैंने कई लोगों के पास सर्विस कराई अपनी बाइक की, तो कई लोगों के पास मैंने सर्विस कराई, तो ये कई लोग अपने अपने तरीके से क्या बिहेव करते हैं। तो जो एक बंदा मुझे अच्छा लगा उसकी बात मैं करता हूँ। देखिए जब मैं उसके यहाँ जाता हूँ, वो उम्र में मुझसे लगभग 3 गुना बड़ा है, उम्र में लगभग 3 गुना बड़ा है, लेकिन जब हम उससे बात करते हैं तो वो कहता है कि सर आइए बैठिए, हम आपकी सर्विस अभी तुरंत करवाते हैं। फिर वो कहता है कि भैया हम आपके चाय मंगवा देते हैं, तो वो क्या है चाय भी मंगवा देता है बंदा समझ लो। और केवल वो सर्विस करने कितने रुपये लेता है, केवल 200 रुपये लेता है सर्विस करने का। अब उस 200 रुपये की सर्विस करने वो क्या क्या करता है, ऑयल भी चेंज करता है, गाड़ी धुलता भी है, पॉलिश भी करता है, तो सारे काम वो बंदा करता है और बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो उसके यहाँ क्या भीड़ लगी ही रहती है। अब ये नहीं कि अगर भीड़ लग गई तो उनको बैठा लें कि बैठे रहो थोड़ी देर में कर देंगे, तो ये अब चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए 11 नंबर के काम में क्या है, आप किसी भी फैक्ट्री में वर्कर बन सकते हैं। आज की डेट में क्या है, कई फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे वर्कर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप फैक्ट्री में क्या कर सकते हैं, अपना रिज्यूम लगा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि हमको काम की ज़रूरत है, तो हमें काम की ज़रूरत है, तो आप क्या काम दे दीजिए। तो आप वर्कर का भी काम क्या है कर सकते हैं किसी फैक्ट्री में जाकर। तो ये हो गया आपका 11 नंबर का काम। अब बात करते हैं 12 नंबर का काम। तो अगर हम 12 नंबर की अगर आपसे बात करें, तो 12 नंबर में हमने नोट किया हुआ है किसी आप बंगले में प्यून का काम कर सकते हैं। जैसे देखिए आज की डेट में क्या है, शहरों में क्या है कई बंगले हैं, तो बंगलों में क्या है कई लोगों को आसानी से क्या जॉब मिल जाती है, तो आप बंगलों में जा करके क्या है काम की मांग कर सकते हैं और वहां पर आप प्यून चपरासी बन सकते हैं। तो ये हो गया 12 नंबर का काम। अगर हम 13 नंबर की बात करें, तो देखिए 13 नंबर में हमने नोट किया हुआ है, देखिए आज की डेट में है लैया चना मटर का सबसे अच्छा काम। देखिए लैया चना मटर क्या है,
जो ठेले पे बेचा जाता है वो कई ज़्यादा बिका करता है। देखिए लहिया चना मटर बेचना बहुत ही एक अच्छा काम मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी जो अर्निंग है वो बहुत अच्छे से आ सकती है। देखिए लहिया चना मटर बेचने वाला आसानी से पैसे कमा सकता है। देखिए लहिया चना मटर बेचने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा काम भी वैसा कोई स्पेसिफिक काम नहीं करना पड़ता है पहले से कि जिसमें आपकी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत हो। देखिए लहिया चना बेचने के लिए आपको केवल कढ़ाई चाहिए, एक ठेला चाहिए, लहिया चाहिए, चना चाहिए, मटर चाहिए और मूंगफली के दाने चाहिए। तो जो लहिया चना मटर बेचने का काम है यहाँ पर भी आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो लहिया चना मटर बेच के भी आप क्या है एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, इनसे आपके पास तुरंत ही पैसा आना क्या शुरू हो जाएगा। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके लिए ये काम क्या बहुत बेटर है और बहुत अच्छा है, आपको क्या है पैसा मिलेगा, आप आसानी से 20,000 रुपया क्या है इसमें कमा सकते हो। देखिए कई लोग हैं जो जॉब करते हैं जिनको 20,000 रुपये सैलरी नहीं मिलती है, और अगर आप एक लहिया चना बेच के 20,000 रुपये कमा रहे हो तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो ये हुआ आपका काम लहिया चना बेचने का। तो अब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट काम 14 नंबर का काम। तो 14 नंबर का काम है आपको कि एक और बिजनेस मैं आपको बताता हूँ काम है, एज अ बिजनेस भी आप कह सकते हो, सकोड़ा बेचने का ठेला लगा सकते हो। शहरों में क्या है सकोड़ा कई जगह बिक रहा है। देखिए सकोड़ा क्या होता है, एक बेसन का वो बनाते हैं पकौड़ी टाइप की, तो उसी को क्या है एक तहरी बनाते हैं, तहरी के साथ मिला देते हैं और उसी को क्या है मार्केट में सेल करते हैं। तो सकोड़ा बहुत ज़्यादा लोग खाने वालों की तादाद है, तो सकोड़ा भी बेच के आप आसानी से पैसा कमा सकते हो। ये काम सुनने में आपको अच्छे भी लग रहे होंगे, कुछ लोगों को ख़राब लग रहे होंगे, तो देखिए ये डिपेंड रहेगा आपके थिंकिंग पर। देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम काम होता है, हर चीज़ की सोसाइटी में नीड है और हर व्यक्ति की ज़रूरत है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके लिए काम अच्छा रहेगा कि बेकार रहेगा। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो मैं आपको इतने सारे काम बता रहा हूँ जहाँ पर आपके पास तुरंत की तुरंत पैसा आना क्या शुरू हो जाएगा और एक आप अच्छी अर्निंग क्या कर पाओगे और आपके पास तुरंत ही पैसा मिलने लगेगा आपको। तो ये हो गया आपका सकोड़ा बेचने का काम। नेक्स्ट हम आपको काम बताते हैं जो हमने नोट करके रखा हुआ है 15 नंबर का काम। देखिए 15 नंबर का काम है आप एक, अगर आपने छोटा सा अमाउंट जोड़ दिया अपने पास, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप लेबरी करना स्टार्ट कर देंगे तो तुरंत की तुरंत पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने लेबरी करके पैसा जोड़ दिया है तो उस समय आप ले सकते हैं ई रिक्शा। ई रिक्शा लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं उस ई रिक्शा को चलाकर, बैटरी का ई रिक्शा होता है, उसमें कोई ज़्यादा मेहनत भी आपको क्या शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता है, तो आप ई रिक्शा बहुत सस्ता आता है, कोई बहुत कॉस्टली नहीं होता जिसको आप ले ना पाएँ, तो ई रिक्शा आप ले सकते हैं, चार्ज कर करके उसको क्या चला चला कर क्या काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। जब आप एक पैसा अच्छा कमा लें तो आप उसके बाद कार भी चला सकते हैं, कार का आप ड्राइवर बन सकते हो, आप अपनी खुद की कार ले सकते हो। देखिए स्टार्टिंग तो आपको पैसे के लिए करनी ही पड़ेगी। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो ई रिक्शा खरीदे थे, ई रिक्शा खरीदने के उन्होंने कार खरीद ली, कार खरीदने के बाद आज वो बस खरीद ली है। कैसे खरीद लिया, काम करने से पहले सोचा नहीं कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। अरे सिंपल सी बात है भाई, पैसा चाहिए, काम करना है तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, हर काम की ज़रूरत है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये काम बेकार है, ये काम ख़राब है, तो वही व्यक्ति ख़राब है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि देखिए अगर किसी, देखिए कोई पढ़ा लिखा कम हो ज़्यादा कुछ भी हो, देखिए अगर किसी के साथ कोई सिचुएशन आ चुकी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो देखिए काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप काम करिए और मोटिवेट रहिए अपने साथ कि हाँ जो आप काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये ध्यान रखिएगा। अब कई लोग इसमें हो सकता है कमेंट बॉक्स में कुछ उल्टा ही टाइप करें, तो देखिए जिसको जो टाइप करना वो करता रहेगा, लेकिन हमारा काम है कि हम उन लोगों को लिए भी एक वीडियो बनाएं जो लोग वास्तव में पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, गरीब हैं बेचारे, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या करें। तो देखिए पैसा तो उनको भी ज़रूरत है, क्योंकि सोसाइटी का जीना है तो जीने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए कुछ ना कुछ काम चाहिए। और काम करने के मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि आपको ये इतने इतने काम कर सकते हो। मैं आपको टॉप 20 काम बता रहा हूँ जिनको आप कर सकते हो। तो 15 काम आपके हो चुके हैं, आप हम बताते हैं 16 नंबर का काम। देखिए 16वें नंबर का काम है आप टेम्पो, कि अगर आपके पास एक अच्छा अमाउंट है थोड़ा, तो आप टेम्पो भी ले सकते हैं, ई रिक्शा जगह आप टेम्पो ले सकते हैं और आप टेम्पो चलाकर भी पैसा कमा सकते हैं। कई टेम्पो चालक ऐसे हैं जिन्होंने एक अच्छी अर्निंग करी, 25-25-30,000 रुपये महीना कमाया। कैसे कमाया,
केवल मेहनत किया, ये नहीं कि घर बैठे हैं कहीं से पैसा आएगा क्या करें क्या ना करें, सबसे पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं। ये वीडियो देखने से केवल नहीं होगा, वीडियो देखो लेकिन देखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो तब पैसा आएगा। ये नहीं कि ये वीडियो देखे वो वीडियो देखे, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जेन्युइन चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आप में सभी लोग बताइए कि क्या तुरंत की तुरंत आपको पैसा आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा आपके पास? आप ये काम करो तुरंत की तुरंत पैसा आएगा, आपको आज ज़रूरत है तो आपके पास आज ही पैसा आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको टेम्पो भी आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका काम नंबर 16। अब काम नंबर 17 की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कई जगह आपने देखा होगा कि बस के ड्राइवर होते हैं, तो आप एक बस ड्राइवर भी बन सकते हैं। कई मालिक ऐसे हैं जिन्होंने बस तो ले लिया लेकिन उनको ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप क्या है ड्राइवर का काम कर सकते हैं। तो बस ड्राइवर बन सकते हैं, ट्रक ड्राइवर बन सकते हैं, और ट्रकों से तो माल आप देखिए एक शहर से दूसरे शहर जाया करता है, तो कई ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत रहती है, कई बस ड्राइवर की ज़रूरत रहती है। तो आप एक बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर बनके भी पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए हैवी व्हीकल का, वो आपको फिर बनवाना पड़ेगा। तो ये थी आपकी बस की बात। अब हम आपसे बात करेंगे काम नंबर 18। देखिए काम नंबर 18 में हम आपसे बात करेंगे कि आप एक ट्रैवल एजेंसी में क्या है कार ड्राइवर बन सकते हैं। देखिए कई ट्रैवल एजेंसी हैं जिनको ड्राइवर की ज़रूरत है, तो आप ट्रैवल एजेंसी में जाइए, उनसे बोलिए कि भाई साहब हमको काम की ज़रूरत है, हम कार चला लेते हैं और हम क्या है कार ड्राइविंग का काम कर सकते हैं, तो आप हमको काम दे दीजिए। तो ये आप ट्रैवल एजेंसी में जाकर भी ये काम क्या है कर सकते हो। ये हुआ आपका काम नंबर 18। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट काम, काम नंबर 19। देखिए काम नंबर 19 है, जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा बिल्कुल था ही नहीं जैसे मैंने आपको बताया था, तो उस समय एक और काम मैं आपको बताता हूँ जो आपको आसानी से पैसा देगा, कि आप घर जो होते हैं, जो सोसाइटी में कई घर होते हैं, तो वहाँ पर आप क्या नौकर का काम कर सकते हैं, कि आप बर्तन मांज दीजिए, आप जैसे कोई जो घरेलू काम होते हैं उन कामों को कर दीजिए, तो उनका आपको क्या एक अच्छा पैसा मिलेगा। देखिए अब आपको एक घर में केवल काम नहीं करना है, कई घरों में आप काम करिए। तो जब कई घरों में काम करोगे तो अगर एक घर से आपके पास 100 रुपया भी केवल 100 रुपया महीने का भी, 100 रुपया महीने कह रहा हूँ मैं, अगर आप लोगों से 50 रुपया पर डे का भी चार्ज करते हो केवल 50 रुपया, तो आप मान के चलिए अगर आप 50 रुपया पर डे का लेते हो, तो अगर आपने 5 घरों में काम किया तो आपका 250 रुपया पर डे का हो गया। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके 5 घरों में थोड़ी काम करोगे, आप आसानी से अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो आप आराम से 10 घर ढूंढ सकते हो, तो 50 रुपये के हिसाब से आपके पास 500 रुपये पर डे का आ जाएगा आसानी। तो आप महीने का अगर आप जुड़ोगे तो 15,000 के आसपास आप पहुंचोगे। कई लोग ऐसे मैंने देखे जो 20,000 रुपये तक कमा रहे हैं यही काम करके। देखिए अब बात ये होती है, काम तो लोग करते हैं लेकिन ईमानदारी से नहीं करते हैं। मान लीजिए पोंछा लगाया, अब उसमें क्या है गंदगी साफ नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं अरे हम ऐसे ही करते हैं, अरे तो ऐसे कर तो भगा देगा तुमको भाई। तो देखिए ईमानदारी से काम करो, जहाँ भी जाओ इतना बेहतरीन काम करके आओ कि वो बंदा जब आपके पास दोबारा आए तो वही कहे कि हमको वही बंदा चाहिए जिसने जिसको पहले लगाया गया था, तो वो बंदा फिर आपको कैसे मिलेगा जब आपने काम किया होगा अच्छे से। तो ध्यान रखिए कि दूसरा पर्सन आपको दूसरे के यहाँ तभी भेजेगा जब वो बंदा आपसे सेटिस्फाई होगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी एक घर में काम करना शुरू कर दिया, उस घर के लोगों को काम पसंद आया, तो वो हो सकता है कि जो उसके रिश्तेदार होंगे उनके यहाँ वो काम दिलवा देगा, आपको कह रहे हैं कि हमारे वो पड़ोसी हैं या हमारे वो रिश्तेदार हैं, हमारे भाई साहब हैं, उनके काम कर दीजिए, तो वो आपको वो भी काम दिलवा देगा। लेकिन काम आपको फिर ईमानदारी से करना पड़ेगा, उसी समय आपको ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ। तो ये होगा काम नंबर 19। अब हम बात करें काम नंबर 20, ये आपका आखिरी काम है। तो काम नंबर 20 मैं आपको बताऊँगा, ये सबसे अच्छा मैं काम बताऊँगा आपको, शहरों में बहुत अच्छा काम होता है, गाँव में भी होता है लेकिन शहरों में सबसे अच्छा है, वो है दूध बेचने का काम। देखिए अगर आपके पास एक भैंस है, अगर नहीं है तो उसको आप ले सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो एक पहले भैंस ले लो, भैंस लेने का दूध बेचना शुरू कर दो। मान लीजिए आपके पास थोड़ा पैसा और आ जाता है तो आप दूसरी भैंस ले लो, उससे उसका दूध बेचना शुरू कर दो, तो आपके पास क्या है आपके पास अच्छी अर्निंग आएगी। देखो शहरों में क्या है लोगों को जो ग्राहक है वो तो मिल जाते हैं, लेकिन ग्राहक मिलने के बाद क्या होता है कि वो ग्राहक टिकता नहीं है उनके पास। क्यों नहीं टिकता दूध वालों के पास ग्राहक? क्योंकि वो जो दूध वाला होता है वो पानी मिलाता है, और जब पानी मिलाता है तो उसी वजह से जो ग्राहक होता है वो नाराज़ हो जाता है और चला जाता है उसके पास से। तो आपको क्या करना है, अगर आप दूध बेचते हो तो उस समय आपको पानी नहीं मिलाना है, आप कह दो कि आप हमारे सामने आ जाओ, हम आपके सामने भैंस का दूध निकाल देंगे और आप सामने ले जाओ। और कई लोग मैंने देखा है ऐसे जो दूध वाले जो
रियल वास्तव में अच्छे दूध वाले हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, वो कहते हैं भाई साहब आप खड़े हो जाओ हमारे भैंस के पास, आपके सामने दूध निकालेंगे हम, लेकिन 60 रुपया किलो देंगे, ऐसा बोलते हैं। और उनसे कई लोग दूध लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहा है, भले ही वो 60 रुपया ले रहा है, 65 रुपया चार्ज कर रहा है, लेकिन वो ईमानदारी से दूध क्या है बेच रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ईमानदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम को करने से पहले। तो ईमानदारी के साथ काम करिए और आपको अच्छा काम मिलेगा, जरूर डेफिनेट मिलेगा। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट चाहूँगा, आप भी कुछ ऐसे काम बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में, जो अनपढ़ लोग कोंको को आसानी से मिल जाए और आसानी से अर्निंग कर सके। क्योंकि देखिए क्या है कि अगर आप लोग भी हेल्प करोगे, मैंने तो कल 20 काम बताए, लेकिन रियल में इतने सारे काम है सोसाइटी में, मैं जिनकी आपको जुड़ाने में अगर बैठूं तो अभी शाम हो जाएगी पूरी। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग भी सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने कोई काम किया है ऐसे छोटे काम, जिसको समाज में छोटे काम बोला था, लेकिन मेरे हिसाब से कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, हर काम बराबर है। तो जो लोग ऐसे काम किए हुए हैं जिनसे पैसा उन्होंने तुरंत कमाया हो, तो वो आप कमेंट में बताइए कि आपने कितना पैसा कमाया ऐसे काम कर करके, और आज की डेट में आप कौन सा काम कर रहे हो और आपने कितना पैसा कमा रहे हो। और लोगों को सजेस्ट करिए काम कमेंट बॉक्स में कि आप इस काम से ही पैसा कमा सकते हो। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो उन गरीब भाइयों के साथ जिनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तंगी से जूझ रहे हैं, पैसा नहीं आ पा रहा है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। शेयर इसलिए करिए जिससे कि वो लोग भी पैसा कमाएं और एक अच्छा करियर उनका बने। देखिए पैसा जब नहीं होता आदमी के पास तो जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं, वो अच्छा खा नहीं पाता, अच्छा पहन नहीं पाता है। तो जब अच्छा खा पी नहीं पाता तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप में गलानी महसूस होती है। तो उस गलानी को दूर करने के लिए आप इस वीडियो शेयर करिए जिससे कि वो बंदा खा सके, पी सके, ज़िंदगी अच्छे से जी सके। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए आज की वीडियो की हम समाप्ति करेंगे, और समाप्ति करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए एक सिंपल स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि आप करिए चैनल को सब्सक्राइब, रेड कलर का बटन आएगा उसको सब्सक्राइब पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपका पास आएगा नोटिफिकेशन बेल, उस पर क्लिक करिए। आप ऐसा करोगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। सारे वीडियो फ्री हैं, आप आसानी से देखिए और कुछ सीखिए और अपने दोस्तों को भी सिखाइए। तो चलिए आज की वीडियो की हम समाप्ति करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के शुक्रिया।